भारत और नेपाल दो देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी, और यही बंधन रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है। यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोध गया ले जाता है, और यही बंधन, यही आस्था, यही स्नेह आज मुझे जनकपुर खींच करके ले आया है। महाभारत रामायण काल में जनकपुर का, महाभारत काल में विराटनगर का, उसके बाद सिमरौनगढ़ का, बुद्ध काल में लुम्बिनी का, ये सम्मान युगों युगों से चलता आ रहा है। भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि उस भाषा से बंधे हुए हैं। ये भाषा है आस्था की, ये भाषा है अपनेपन की, ये भाषा है रोटी की, ये भाषा है बेटी की, ये मां जानकी का धाम है, ये मां जानकी का धाम है, और जिसके बिना अयोध्या अधूरी है। हमारी माता भी एक, हमारी आस्था भी एक, हमारी प्रकृति भी एक, हमारी संस्कृति भी एक, हमारा पथ भी एक, और हमारी प्रार्थना भी एक, हमारे परिश्रम की महक भी है और हमारे पराक्रम की गुंज भी है, हमारी दृष्टि भी समान और हमारी सृष्टि भी समान है।